हेलो एवरीवन वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप लोग गुड़ 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 बहुत बढ़िया तो आज हम लोग राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्रकला शैली पढ़ने वाले हैं देखो ये पहाड़ी चित्रकला शैली है और ये जो आप देख रहे हैं ये राजस्थानी चित्रकला शैली है और यहां से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है 2019 के प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ चुका है तो अगर हम लोग चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला की राजस्थानी शैलियां और पहाड़ी शैलियां काफी फेमस हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो बनी थानी बणी थनी शैली किशनगढ़ की बनी थानी शैली जो 2019 में पूछा जा चुका है तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना ये बनी थानी की है तो मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊंगी आगे विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और जैसा कि मैंने कहा कि अपने भीतर के कलाकार को जगा के लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। बारिश हो रही है तो केशव आपके यहां ठंड जाते जाते थोड़ी सी और अपना असर छोड़ के जाना चाहती है हाँ जी किशनगढ़ की बनी थनी शैली तो थोड़ा सा अनएकेडमी प्लस के बारे में जानते हैं इसके बारे में बात करने से पहले क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत सारी राजस्थान की पहाड़ की जो चित्रकला शैलियां हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसके पहले थोड़ा अनएकेडमी प्लस के बारे में ये सारे टॉप के एडुकेटर डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं पॉलिटी मैं खुद मुझे बहुत पसंद है इनकी क्लास ये स्पेशल क्लासेस और अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करने के बाद आपको जो मिलने वाला है जो मिलने वाला है बहुत सारा प्रैक्टिस बहुत सारा प्रैक्टिस मैं आजकल अपने क्लास में डेली डेली प्रिलिम्स क्योंकि मैं एंसेंट हिस्ट्री पहले ही कवर कर चुकी थी तो मैं डेली आजकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ खूब सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके तो जो भी प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उस पर आजकल मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मतलब मैंने आपको बताया कि जितना आप टेस्ट सीरीज लोगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए प्रिलिम्स के लिए बेहतर रहेगा और वही स्ट्रैटेजी उसी स्ट्रैटेजी के तहत मैं प्लस पे अपने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस कर रही हूँ करवा रही हूँ तो ये इस तरह से ये प्लस दिखता है आप लोग जो कहते हो कि आप लोग ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते तो इससे इस ज्यादा बेहतर लगता है आपको वहां पर ज्यादा बेहतर लगता है हम बहुत क्लोज होते हैं आपके और आपके एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ पाते हैं तो आप सब लोग जो लोग भी अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं आने के में प्लस को ज्वाइन करिए रिंकू लाइव कोड है मेरा एक साल की फीस रिंकू लाइव कोड यूज करने के बाद कंप्लीट में हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एथिक्स ये सब कुछ कराऊंगी साथ में आपका ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें मेरी तरफ से हेल्प रहेगा आप लोगों को अगर सोशोलॉजी वगैरह है ये सब तो ठीक है तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा आप लोगों के साथ और दो साल का जो है संतावन हजार छ सौ तो आप इसके लिए इसके लिए आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं ये मेरा ट्विटर हैंडल है ठीक है टी डॉट मी रिंकू सिंह हिस्ट्री बिना स्पेस का डालना आपने टेलीग्राम पर एट द रेट सिंह हिस्ट्री ठीक है और अब आइए क्लास शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग ये पार्ट टू है पार्ट टू क्यों है क्योंकि चित्रकला का हम लोग पार्ट वन कल कर चुके थे ये पार्ट टू है इसलिए यहां पर पार्ट टू डला हुआ है ठीक है तो अब देखते हैं सबसे पहले राजस्थान का देखेंगे राजस्थान का राजस्थानी चित्रकला शैली को देखते हैं और राजस्थानी चित्रकला शैली में जो मुख्य रूप से जो विषय रहा राजस्थानी चित्रकला का मुख्य रूप से जो विषय रहा वो देखा गया कि पशु पक्षियों का चित्रण शिकारी दृश्य दरबार के दृश्य नारी सौंदर्य और धार्मिक ग्रंथों का चित्रण और धार इसमें मतलब धार्मिक ग्रंथों के चित्रण में राधा कृष्ण राधा कृष्ण के पेंटिंग्स बड़े बने तो राजस्थानी चित्रकला शैली की जो मूल शैली है वो मेवाड़ शैली मानी जाती है मेवाड़ शैली मानी जाती है ठीक है तो सबसे पहले मेवाड़ शैली ही देख लेते हैं मेवाड़ शैली गॉड ब्लेस यू नीलू बहुत अच्छे हैं आप लोग मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता आप लोग ही बोल देते हो मेरी जगह पे कुछ ऐसे लोग आते हैं अगर वो लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मैं देखती हूं मुझे नहीं बोलना पड़ता आप सब लोग बोल देते हैं और सही तरीके से आप लोग समझा देते हैं तो थैंक यू फॉर दिस ठीक है तो मेवाड़ शैली तो मेवाड़ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं एक से बढ़कर एक बहादुर शासक हुए इस वंश में तो राणा कुंभा राणा सांगा राणा प्रताप ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो भूलता नहीं है और यहीं पर चित्रकला का जो विकास हुआ तो जो चित्रकला भी आपने पढ़ाई की ये मूल है राजस्थानी चित्रकला शैलियों का मूल है मेवाड़ शैली तो यदि ये कहते हैं आपके नितिन सिंघानिया कि यदि प्रारंभिक मेवाड़ चित्रकला पर दृष्टि डाला जाए प्रारंभिक जो शुरुआत हो में जो चित्र बने उस पर साहिब दिन साहिब दिन ये जगत सिंह का दरबारी था जगत सिंह जिनका पीरियड सोलह से बावन रहा है इनका दरबारी चित्रकार था साहिब दिन और बड़ा नाम है साहिब दिन मेवाड़ शैली के मतलब राजस्थानी चित्रकला का एक बड़ा नाम है साहिब दिन आप ये कह सकते हैं तो ये कहते हैं कि साहिब दिन का प्रभाव है प्रारंभिक चित्रकला पर जो प्रारंभिक चित्र बने उन पर साहिब दिन का मतलब इतना बड़ा एक वो व्यक्तित्व था उसका चित्रकला इतना व्यापक था कि उसका प्रभाव दिखता है तो आप साहिब दिन को याद रखना हमेशा हमेशा याद रखना साहिब दिन कौन था तो मेवाड़ शैली का चित्रकार और इस अवधि में जो चित्रकला बने तो रसिक प्रिया रामायण भागवत पुराण इन सब साहित्यिक ग्रंथों के विषय पर बने तो मैं ये सारी लघु चित्रकला ही हैं ये सारी लघु चित्रकलाएं हैं और मैंने आपको बताया कि लघु चित्रकला में ज्यादातर सचित्र पुस्तकों को बनाया गया सचित्र पांडुलिपियां बनी ज्यादातर ठीक है तो इसमें भी मेवाड़ शैली में रसिक प्रिया रामायण और भागवत पुराण जैसे साहित्यिक ग्रंथों के चित्रण पर केंद्रित रहा ये और शाहिब दिन की मृत्यु के बाद शाहिद दिन की मृत्यु के बाद चित्रकला की शैली थोड़ी सी बदल गई थोड़ी परिवर्तित हो गई थोड़ी चेंज हो गई नितिन सिंघानिया शताक्षी नितिन सिंघानिया सारी शैलियां आपको एक ही जगह मिल जाएंगी सारी की सारी शैलियां ठीक है तो अधिकांश चित्रों में मेवाड़ के दरबारी जीवन का चित्रण किया गया क्या किताबों के अलावा धार्मिक ग्रंथों के अलावा मेवाड़ के दरबारी जीवन का चित्रण किया गया ये कब दिन, दिन की मृत्यु के बाद साहिब दिन की मृत्यु के बाद दरबारी जीवन का चित्रण और इस अवधि की एक अनूठी बात क्या हुई तमाशा चित्रकला तो तमाशा चित्रकला कहा मेवाड़ शैली मेवाड़ शैली में दो फेस देखने को मिलता है एक साहिब दिन के समय जो कि जगत सिंह के दरबारी जगत सिंह के टाइम का था उनका दरबारी चित्रकार था बाद के भी जो चित्र बने उन पर जगत सिंह का ही प्रभाव रहा वैसे ही चित्र बनते रहे साहिब दिन की तरह ही चित्र बनते रहे साहिब दिन की मृत्यु के, के बाद जो चित्र बने उन पर वो दरबारी जीवन शैली को चित्रित किया गया दिखाया गया और जो एक शैली और निकल के एक जो उनका जो मतलब एक अनूठी बात उसको तमाशा चित्रकला कहते हैं और इसमें दरबार की औपचारिकताओं के और नगर के दृश्यों को दर्शाया गया तो तमाशा चित्रकला अगर आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इस शैली में किया गया या इसके तहत क्या दिखाया गया तो यहां से दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ठीक है चित्रकला की किशनगढ़ शैली जहां से इस बार तो क्वेश्चन आ चुका है तो 2019 में आ चुका है तो 2020 में संभावना कम है यूपीएससी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट रिपीट नहीं करता पर ऐसा हो सकता है कि थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाए आपसे तो ये जो किशनगढ़ शैली है ये राजा सावंत सिंह राजा सावन सिंह और उनकी प्रेमिका थर्नी इनके जीवन पर आधारित है कहते हैं नितिन सिंघानिया की भक्ति रोमांस इनसे जुड़ी हुई है ये ये जो चित्रकला है वो इनसे जुड़ी हुई है तो क्या है कि दास दासियों का बड़ा प्रचलन था दासियां बड़ा की रोल निभाया करती थी राजस्थान के राजघरानों में तो आप लोग को याद है कि वो कौन सी दासी थी जिसने अपने पुत्र की बलि मतलब एक तरह से पुत्र को सेक्रीफाइस कर दिया था जान बचाने में याद है आप लोगों को हम सब ने उस कहानी को पढ़ी है राजा उदय सिंह को बचाने के लिए राजा उदय सिंह को बचाने के लिए उसने उदय सिंह की जगह पे अपने बेटे को लेटा दिया था पन्ना धाय फोर्थ फिफ्थ में अगर हम लोग होंगे या तो फोर्थ फिफ्थ या सिक्स में आप लोग के टाइम पे भी अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो दासियों का बड़ा रोल रहा बहुत रोल रहा राजस्थान के कई घरानों में ऐसी कई दासियां हुई जिन्होंने जो कुख्यात भी बहुत सारी हुई जिन्होंने रा, मतलब, राज मतलब गद्दारी किया राजघराने के साथ वहां की खबरों को बाहर भेजा कुछ मतलब इस तरह की कुख्यात भी हुई कुछ विख्यात भी हुई उसी में उसी में ये जो राजा सावन सिंह है जो किशनगढ़ के राजा थे उनकी यहां पर एक दासी थी उसका नाम किसी को नहीं पता नाम किसी को नहीं पता उसका नाम बड़ी थड़ी नहीं था कैसे बड़ी थड़ी पड़ा मैं बताती हूं आपको ये दासी थी कि राजा सावन सिंह के महल में और राजा सावन सिंह मतलब कला प्रेमी मनुष्य थे व्यक्ति थे और वो लिखना भी जानते थे मतलब साहित्यिक व्यक्ति थे वो लिखना गाना पेंटिंग बनाना ये सब कुछ उनको आता था तो ये जो दासी थी ये दासी होते हुए भी दासी होते हुए भी ये भी लिखती थी इसको लिखना भी आता था मतलब कविताएं वगैरह लिखा करती थी और खूबसूरत भी थी तो क्योंकि सावन सिंह कला प्रेमी थे तो इस दासी ने उनको प्रभावित किया इस दासी ने उनको प्रभावित किया और उसके बाद इस मतलब ये, दा, ये दासी और राजा सावन सिंह इन दोनों के संबंधों की चर्चा होने लगी और सावन सिंह अप नागरीदास कवि नागरीदास की बहुत सारे आप कविताओं को पढ़ोगे आप जब मध्यकाल आता है साहित्य हिंदी साहित्य को तीन भाग में बांटा गया है तो एक तो होता है आदिकाल दूसरा होता है आपका मध्यकाल मध्यकाल को दो भाग में भक्ति काल ठीक है भक्ति काल और रीतिकाल और फिर आता है आधुनिक काल साहित्य में तो जो भक्ति काल है भक्ति काल उसमें नागरीदास का भी नाम आता है नागरीदास का भी तो जो ये सावन सिंह है कवि नागरीदास के नाम से भी फेमस थे तो ये इनको कृष्ण और ये जो दासी थी उसको मीरा लोग कहने लग गए तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि भक्ति रोमांस और भक्ति के अंतर्गुथन पे तो ये मीरा कहलाने लग गई सावन सिंह कृष्ण कहलाने लग गए और इसी में एक दिन ऐसा हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ सीडीएस का दे सकते एग्जाम जीके वाला पोर्शन आपके लिए फायदा करेगा हाँ तो कहानी में बता रही थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि इस दासी को कि सावन सिंह ने रानियों वाले कपड़े पहना के इसका पेंटिंग बनाया और उस पेंटिंग का नाम दिया बणी ठणी ठीक है बड़ी है ना हाँ बड़ी ठणी राज जितने राजस्थान के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है बणी ठणी का मतलब होता है बन ठनकर यानी सजी सौरी हुई सजी सौरी हुई बनी ठनी का मतलब ये होता है ना बनी ठनी बन सवर कर, कर तो इस पे मतलब नाम पड़ गया इसका बनीठनी उसको उन्होंने बनाया तो लेकिन इनके समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहा निहाल चंद निहाल चंद तो निहाल चंद निहाल चंद ने अपने नाम से इसको दरबार में सार्वजनिक किया था इस पेंटिंग को अपने नाम से दरबार में सार्वजनिक किया और उसके बाद से तो फिर किशनगढ़ में जितने भी पेंटिंग्स बने जितनी भी पेंटिंग्स बने उन सब का विषय बनी थनी ही रही बनी थनी ही रही मीरा के रूप में इसको दिखाया गया कहा जाता है कि महिला राधा के चरित्र से मेल खाती थी काफी मेल खाती थी और इसने सावन सिंह को कृष्ण मान लिया था और जैसे मीरा कविताएं लिखा करती थी उसी तरह से ये भी कविताएं लिखा करती थी तो किशनगढ़ शैली में फिर बाद में तो सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं पे चित्र बने और यही वहां की अद्वितीय चित्रकला शैली बन गई ठीक है इन्हीं के मतलब राधा और कृष्ण के बीच प्रेम संबंधों पर और मतलब प्रतीकात्मक रूप थे ये कवि कवि नागरीदास यानी सावन सिंह और उस दासी का और खूब चित्र बने तो जब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शैली में राजस्थान की किस शैली में सबसे ज्यादा राधा और कृष्ण के चित्र बने उनके प्रेम संबंधों पर चित्र बने तो ये आपका किशनगढ़ शैली होगा ठीक है है ना इंटरेस्टिंग बूंदी शैली बूंदी शैली हो सकता है इस बार यहां से आपको पूछा जाए तो बूंदी और कोटा की जुड़वा रियासतें बूंदी और कोटा याद है इनके औरंगजेब ने इंटरफेयर किया था इनके बीच में राजपूतों को नाराज कर दिया था उसने तो ये जुड़वा रियासतें थी भाइयों भाइयों में बटी हुई थी सामूहिक रूप से हड़ौती के रूप में जानी जाती थी तो इसको हड़ौती शैली के नाम से भी जाना जाता है अठरवीं सदी में बूंदी और कोटा के राजा कृष्ण के भक्त थे कृष्ण के भक्त थे श्रद्धालु थे और उनकी कृष्ण भक्ति ने चित्रकला में भी भूमिका निभाई तो बूंदी शैली में जो विशेषता रही स्थानीय वनस्पति के चित्र यानी स्थानीय वनस्पति जो वहां पर जो लोकल जिस तरह से मतलब पेड़ पौधे पाए जाते थे वो फिर तीखी नाक के साथ मानवीय चेहरे गोल हैं आकाश का रंग अलग अलग रंगों में दिखाया गया है एक अनूठी विशेषता आकाश का रंग अलग अलग यहाँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तो ब्लू कलर से ही दिखाया गया है जनरली आकाश का रंग आसमानी रंग से दिखाया जाता है लेकिन यहां पर आकाश का रंग अलग अलग, अलग रंगों में रंगा गया है और अधिकांशतः आकाश में एक क्या दिखता है लाल रिबन तो यही यही पहचान है बूंदी शैली का तो कभी आपसे क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आएगा ऐसे ही ये ये सब दिया रहेगा आपको सिर्फ पहचानना होगा बूंदी शैली की विशेषता है ठीक है तीखी नाक तीखी नाक नहीं समझते आप किसी का नाक पकौड़े जैसा होता है किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है और किसी का बड़ा सुंदर सा नाक होता है मतलब सुंदर नाक मतलब तीखी नाक होना चाहिए आमिर जयपुर शैली तो आमिर शैली को ढंडर शैली भी कहा जाता है ढंडर शैली और इसके प्रारंभिक साक्ष्य राजस्थान के बैराट बैराट क्षेत्र के भीति चित्रों में मिलते हैं बैराट की भीति चित्रों में भीति चित्र तो समझते हैं ना आप भीति चित्र मुराल पेंटिंग मुराल पेंटिंग यानी दीवारों पर जो चित्र बनते हैं किसी हार्ड सरफेस पर गुफाओं की दीवारों पे बने महल की दीवारों पर बने भीति चित्र ठीक है नमस्ते नमस्ते हाँ जी तो भीति चित्र के नाम से ज्यादा गुफाओं यहां पर मतलब जब भी आपसे पूछा जाता है मुराल पेंटिंग तो उसमें गुफाओं में जो चित्र बने वो ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे जो गुफाओं में बने तो अजंता एलोरा बाघ उदयगिरी खंडगिरी इन सब गुफाओं में तो मैं इन पे आप लोगों का एक क्लास ले चुकी हूं मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मैं इन पे क्लास ले चुकी हूं हां जी तो तो चित्रों को महल की दीवारों पे और राजस्थान में आमेर महल की समाधियों में भी देखा जा सकता है ऐसे चित्र विशेषता क्या रही एक तो देखिए सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान और ये काफ़ी भावुक कला के भावुक मतलब संरक्षक थे मतलब काफ़ी कला को महत्व देते थे या कला को लेकर इमोशनल थे और ये दो धाराओं का संयोग सुनिश्चित करता है कि इसके सूरत खाना अथवा चित्रकला विभाग में दो धारा समझ रहे हैं ना इनपे मुगल कला का बहुत प्रभाव था मुगल कला का इस पे बहुत प्रभाव था आमेर ये शब्द देख रहे हैं आप आमेर जयपुर शैली तो आमेर का मतलब कि सबसे पहले आमिर के शासकों ने ही मुगलों से संबंध जोड़ा था और क्योंकि मुगलों से संबंध इन्होंने सबसे पहले जोड़ा था वैवाहिक संबंध बनाए थे इन्होंने याद है ना जोधाबाई आमेर की ही राजकुमारी थी और उसके बाद भगवान दास मान सिंह फिर उसके बाद जय मतलब जय सिंह ये सब के सब जुड़े रहे जुड़े रहे ये मुगल दरबार से तो इसीलिए कह रहा है कि दो धाराओं का संजोग था यह या। यानी फारसी शैली और राजस्थान की राजपूत शैली ये दो धाराओं का संजोग था और यहाँ पर सूरत खाना यानी चित्रकला विभाग में यहाँ के चित्रकला विभाग को सूरत खाना कहा गया और इसमें भागवत पुराण रामायण रागमाला जैसे कई छवि चित्र बनाए गए रागमाला क्या है संगीत पर जो चित्र बने जो संगीत है अभी आप लोग संगीत पढ़ेंगे तो जो संगीत पर चित्र बने मतलब उनके वाद्य यंत्र गाते हुए रागमालाओं पर उसी को रागमाला कहते हैं रागमाला ठीक है राग माला, हाँ जी आपके घर के सामने है आमेर महल वेरी गुड हर्षित हम्म बहुत बढ़िया हाँ शेखावटी भी फेमस है मारवाड़ शैली देखिए बहुत राजस्थान में जो मैंने आपको मेवाड़ शैली बताया मेवाड़ शैली शैली की कई उपशैलियां हैं मुख्य मुख्य रूप जो शैलियां हैं उसी का उल्लेख करते हैं नितिन सिंघानिया और मुझे लगता है कि यही बेहतर है यही बेहतर है बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे तो भूल जाओगे याद नहीं रहेगा सब तो जो मुख्य मुख्य है उनको ही याद रखिए आप तो जैसे जो आर वगैरह दे रहे होंगे उनको तो वो सारी ही उपशैलियों को भी याद करना पड़ेगा सारा ही पढ़ना पड़ेगा पर यू के लिहाज से आप जो मुख्य मुख्य शैलियाँ हैं उसी को पढ़ते हुए चलिए ठीक है तो मारवाड़ शैली तो नितिन सिंघानिया कहते हैं कि सबसे व्यापक शैलियों में से एक है व्यापक यानी खूब फैली हुई और इसमें राठौड़ों द्वारा शासित जोधपुर और जोधपुर और बीकानेर दोनों जहां पर राठौड़ों का शासन था और भारतीयों द्वारा शासित जैसलमेर ये ये राज्य सम्मिलित है मारवाड़ शैली में और पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में ये चित्र बने और इस इन चित्रों में महिलाएं और पुरुष काफी रंगीन कपड़े पहने हुए हैं इन चित्रों में तो आप देख पा रहे हैं खूब कलरफुल एक आ रहा है ना लुक आप लोगों को देख के खूब कलरफुल ड्रेसेस का खूब कलर्स दिख रहे हैं तो इन चित्रों में मारवाड़ शैली में कौन कौन सा आता है तो जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर ये राज इन राज्यों की शैलियाँ आती हैं और इसमें जो विशेषता है कि पुरुष और स्त्री खूब रंग बिरंगे रंगीन कपड़े पहने हुए हैं और इन्होंने भी मुगल पैटर्न का अनुसरण किया मुगल पैटर्न का और इसमें जो जोधपुर की चित्रशाला है उसमें कई सारे जो है मानसिंह के समय के दौरान और बाद के काल के हैं मानसिंह और इन्होंने इन लोगों ने जो विषय लिए चित्रकला के पुराण नट चरित्र दुर्गा चरित्र पंचतंत्र ये सारे विषय लिए इन्होंने चित्रकला के लिए चित्र बनाने के लिए ठीक है तो विभेद विभेद बिंदु क्या रहा विभेद बिंदु एक सेकेंड ठीक है मतलब क्या अंतर रहा राजपूत शैली में अगर आपसे पूछा जाता है कि राजपूत शैली और मुगल शैली में क्या फर्क रहा ज्यादातर यही मतलब चित्रकार मुगल दरबार में भी गए जैसे मंसूर है देवीदास है मंसूर ने मनोहर मनोहर देवीदास साहिब दिन इन्होंने मुगलों के लिए भी चित्र बनाए और ये आकर इधर भी चित्र बनाते थे राजपूत शैली में भी इन्होंने चित्र बनाए तो दोनों में फर्क क्या रहा फर्क क्या रहा तो अगर फर्क दो लिया गया है विषय वस्तु विशिष्टता तो विषय वस्तु विषय वस्तु क्या रहा कि राजपूतों में भीति चित्र भीति चित्र और फ्रेस्को पर आधारित रहे तो भीति चित्र ज्यादातर फ्रेस्को पर ही बनते हैं फ्रेस्को शब्द जब भी आए तो याद रखना आप कि दीवारों पर जब गीला प्लास्टर डाला जाता है दीवारों पर गीला प्लास्टर डाल के और उस पर पे जो पेंटिंग्स बने उसी को भी मतलब फ्रेस्को स्टाइल कहा जाता है फ्रेस्को स्टाइल तो ये फ्रेस्को शब्द हमेशा भीति चित्र से जुड़ा रहेगा तो राजपूत शैली में ज्यादातर ज्यादातर भीति चित्र और फ्रेस्को पर आधारित चित्र बने और बाद के काल में लघु चित्र बनने लग गए और मुगलों का क्या विषय रहा इस समय अगर प्रकार देखे टाइप तो तो इन्होंने लघु चित्रकलाकारी ही की सिर्फ लघु चित्रकारी भीती चित्र इन्होंने नहीं बनाए सिर्फ लघु चित्रकलाकारी किए फिर विषय वस्तु क्या रहा इसकी प्रकृति भक्तिवादी रही भक्तिवादी और धार्मिक यानी राजपूत शैली में जितनी भी चित्र बने वो किसी नंबर किसी जैसे पौराणिक विषयों पर भक्ति से प्रेरित होकर बने और मुगलों में जो है इनके घर परिवार को चित्रित करती है शासकों के दिनचर्या को चित्रित करती है उनके राज से ठाट वाट युद्ध और शिकार के दृश्य रहे यानी यहां से ईश्वर को गायब कर दिया गया ठीक है और विशिष्टता इनके जो है हिंदू प्रतीक रहे इनके चित्रों में जैसे कमल मयूर हंस इनको बार बार दिखाया गया चित्रों में बार बार दिखाया गया और इनके चित्रों में वृक्ष व्यक्तियों को भी दिखाया गया व्यक्ति या वृक्ष ऊंट ऊंट ठीक है ये इन पक्षियों को फाल्कन्स को इनको दिखाया गया सत्रहवीं से अठारहवी शताब्दी इनका काल रहा और सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी इनका काल रहा तो आप काल के हिसाब से देख रहे हैं कि मुगल मुगल चित्रकला की शुरुआत पहले होती है और उसके बाद तो ये मुगल मुगलों द्वारा ही शुरू हुआ और मुगल दरबार में जब चित्र चित्र बनने लग गए तो जो इनके मनसबदार थे ज्यादातर राजपूत मनसबदार थे जितने भी लोगों को आपने देखा तो एक मेवाड़ को छोड़ के वो सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे मुगलों से और फिर इसी तरह से ये प्रभाव पहुंचा और मैंने बताया कि ये जो चित्रकार है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे ठीक है फ्रेस्को को मैंने बताया ना फ्रेस्को को दीवार पर दीवार पर जो प्लास्टर समझते हैं ना जो प्लास्टर किया जाता है ईटों को जोड़ने के बाद इतना तो घर बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने जब घर बनता है तो पहले ईटे जोड़ते हैं फिर दीवार को चिकना करने के लिए उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो गीले जो गीले प्लास्टर पर जो पेंटिंग्स बने तो फ्रेस्को में ज्यादातर जो है चूना पत्थर मिला के जैसे गुफाओं में चूना पत्थर मिला के और फिर दीवार पे डाला गया और उसको सूखने से पहले सूखने से पूरी तरह सूखने से पहले ही उस पर पेंटिंग्स बनाए गए कुछ पहाड़ी शैलियों की बात करते हैं चित्रकला की पहाड़ी शैलियां तो ये छोटे राज्यों में फल फूल रही शैलियां थी छोटे राज्यों में और इन ये जो है जम्मू से लेकर जम्मू से लेकर अल्मोड़ा तक लगभग 22 रियासतों में फैली थी पहाड़ी शैली छोटे छोटे राज्यों में और जम्मू से लेकर अल्मोड़ा तक लगभग 22 रियासतों में ठीक है इनको दो समूह में बांटा जाता है जम्मू या डोगरा शैली पहला और बशोली या कांगड़ा शैली दूसरा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जो देखा गया है वो बशोहली और कांगड़ा शैली ठीक है बशोडी और कांगड़ा शैली इसको कहीं कहीं बशोली को बसोहली भी लिखा रहता है जैसे आपके एनसीईआरटी क्लास एट क्लास एट की जो एनसीआर बुक है उसमें क्लास एट ने सेवेंथ में दिया हुआ है बसोहली बसोहली शैली लिखा हुआ है तो दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है और जो चित्रित विषय रहे पहाड़ी शैली में वो ज्यादातर पौराणिक विषय ही रहे पौराणिक कथाएं और साहित्य साहित्य लिया गया दो सबसे महान चित्रकार हुए पहाड़ी शैली में नैन सुख ये नैन सुख है ठीक है और मनकु नैन सुख और मनकु तो आपसे पूछा जाए अगर कि नैन सुख और मनकु मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे तो वो गलत होगा या सही वो गलत होगा ये पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे ठीक है तो ये देखो ये पहाड़ी शैली की ही एक पेंटिंग है अब पहाड़ी शैली में बसोहली शैली को देखते हैं बशोहली शैली तो ये सत्रहवीं इसका टाइम है सेवेंटी सेंचुरी सत्रहवीं सदी और ये जो इसका जो प्रारंभिक चरण रहा इसमें इसकी विशेषता ये रही कि आंखें जो बनाई गई वो पंखुड़ियों की तरह बनाई गई पंखुड़ी समझते हो ना पेटल्स पेटल्स ठीक है पेटल्स की तरह तो जो आंखें बनाई गई वो आंखें पंखुड़ी की तरह बनाई गई और बहुत ही भाव अभिव्यक्त करने वाला चेहरा चेहरे पर एक्सप्रेशन ज्यादा खूब एक्सप्रेसिव फेस बनाया गया ठीक है मतलब देख के ही आपको फेस से पता चले कि वो कैसा है नहीं ये मेंस के ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंस के लिए अलग होगा मेंस में भी अगर राजस्थानी शैली या पहाड़ी शैली लिखने को आता है तो इन सारी शैलियों का नाम देते हुए नाम देते हुए सबकी विशेषता आप लिख सकते हैं ठीक है कुछ अलग नहीं होगा और जो मुख्य विशेषता रही चित्रों में प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ यानी लाल पीला हरा चित्रों में प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया ठीक है और कपड़ों पर चित्रण की मुगल तकनीक का प्रयोग किया जाता था यानी ये जो आप देख रहे हो ये कपड़ा है तो कपड़ों पर मुगल मुगल तकनीक क्या थी कपड़ों पर चित्र बनाया जाता था उस टेक्निक का यहां पर उपयोग किया गया और इस शैली के पहले संरक्षक राजा कृपाल सिंह थे राजा कृपाल सिंह और इसमें जो चित्र बने भानुदत्त की रसमंजरी जयदेव के गीत गोविंद रामायण इन सारे ग्रंथों पर चित्र बने यानी इनकी कहानियों पर मान लो कि मैं कह रही हूं कि रावण सीता का हरण करके लेके जा रहा है यह सीता पुष्प वाटिका में बैठी हुई है अशोक वाटिका में सीता तो को अशोक वाटिका में बैठे हुए दिखाया जा रहा है ठीक है हिरण का वेश बनाकर रावण आया है तो उसको दिखाया जा रहा है तो ऐसे विषय मतलब इसका मतलब ये विषय होता है तो ऐसे विषयों पर चित्र बनाए गए प्रमुख चित्रकार वशोली शैली का देवीदास देवीदास ठीक है बिल्कुल मैं वही कह रही हूं लेट्स इट यही मैं कह रही हूं कि मेंस के लिए इससे अलग नहीं पढ़ना है आपको यही से आप फैक्ट निकालो प्रिलिम्स के लिए और मेंस में ये सारा एक्सप्लेन कर दो एज इट इज रख दो समझ गए समझ गए कांगड़ा शैली तो कांगड़ा शैली का विकास कैसे होता है तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मतलब औरंगजेब के समय आप कह लो उसने आपने कल पढ़ा था कि औरंगजेब को बाकी सारी चीज़ों की तरह चित्रकला का भी कोई शौक नहीं था तो जितने भी चित्रकार थे पेंटर्स थे अब वो संरक्षण की तलाश में इधर उधर गए कुछ राजस्थान चले गए और ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ चले गए तो जो पहाड़ों में गए और वहाँ पर जो उन्होंने पेंटिंग का स्टाइल निकाला उसी को मतलब कांगड़ा शैली कहा गया कांगड़ा क्षेत्र में जाकर जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाए उसी को कांगड़ा शैली कहा गया ठीक है और इसमें जो है राजा गोवर्धन सिंह इनको सबसे पहली बार सत्रह चौहत्तर में राजा गोवर्धन सिंह का संरक्षण मिला लेकिन राजा संसार चंद के संरक्षण में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ ये पराकाष्ठा पे पहुंच गया अपने और इसका सबसे पहले विकास कहां हुआ होता है तो गुलेर में गुलेर में हुआ उसके बाद कांगड़ा आता है ये दोनों जगह कहां हैं हिमाचल ठीक है हिमाचल में ही है ना नहीं नहीं औरंगजेब बिल्कुल भी याश नहीं था कहां से ऐसे इंफॉर्मेश रखते हो आप लोग औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे क्यों जिंदा पीर कहते थे औरंगजेब को औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहते थे क्योंकि औरंगजेब राजा होते हुए भी महत्वाकांक्षा थी महत्वाकांक्षा थी कि सब मेरे अधीन रहे लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत सादगी से रहता था बहुत सादगी से और वो अपने लिए वस्त्र खुद बनाता था और अपने खर्च भर वो खुद काम करता था इसीलिए उसको जिंदा पीर कहते थे ठीक है तो याद रखिएगा कांगड़ा शैली राजा गोवर्धन सिंह और राजा संसार चंद के संरक्षण में बढ़ा सबसे पहले गुलेर से शुरुआत होती है और कांगड़ा में इसका विकास सबसे ज्यादा होता है और सबसे सर्वप्रमुख विशेषता जो कभी नहीं भूलना है आपको जो कभी नहीं भूलना है कांगड़ा शैली का वो है संवेदनशीलता और बुद्धिमता का इसको भाव प्रवण शैली कहते हैं कांगड़ा शैली को भाव प्रवण शैली यानी भाव प्रवण शैली का मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा भावों को दिखाया गया ठीक है भावपूर्ण शैली कहते हैं इसको तो इसमें सबसे जो लोकप्रिय विषय रहे गीत गोविंद भागवत पुराण बिहारी लाल की सत्सई नल दमयंती कृष्ण की रास लीला सारे के सारे पौराणिक विषयों को और साहित्य साहित्यिक विषयों को लिया गया और चित्रकला का जो सबसे प्रसिद्ध इसका समूह है वो है बारह मासा बारह महीने ठीक है तो मासा किस शैली में चित्रित किया गया तो कांगड़ा शैली में कांगड़ा शैली में इसको चित्रित किया गया ठीक है तो भावपूर्ण शैली भावपूर्ण शैली के तौर पर कांगड़ा शैली फेमस है इसको याद रखिएगा तो भाव मासा में दिखाया क्या गया है तो मासा में दिखाया गया है कि, कि मतलब बारह महीने में मनुष्य की भावनाएं बारह महीने में अलग अलग क्या क्या मतलब होती हैं उसको बारह महीने में दिख मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है इस इसीलिए इसको कहते हैं बारह मासा ठीक है अभी कुछ और अन्य राजकीय चित्रकला शैलियां देख लेते हैं चित्रकला की लोक शैलियां जो लोक शैलियां हैं बर्रा चित्र पट चित्र मधुबनी ये सब मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को अभी इसके बाद जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं यह पढ़ा रही हूं कि राजकीय संरक्षण में मतलब राज दरबारों में अन्य एक दो और शैलियों का विकास हुआ और उसमें उसमें जिन शैलियों का विकास हुआ तो इसमें आपका एक आ जाता है तंजौर चित्रकला तंजौर तो जो तंजौर शैली है ये अपनी अलंकारिक चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है अलंकारिक समझते हैं जिसमें खूब सजावट हो जिसमें खूब सजावट हो उसको अलंकारिक चित्रकला कहते हैं और मराठा शासकों ने इसको संरक्षण दिया मराठा शासकों ने और इन्हें अधिकतर कांच कांच या कास्ट पटल यानी कास्ट यानी लकड़ी लकड़ी का ही जो फॉर्म होता है कास्ट जिसे मतलब उस भाषा में देसी भाषा में आप काठ कहते हो लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा तो वही कास्ट पटल पे हल्की जो लकड़ी होती है तो कास्ट पटल पर इसको बनाया गया है या तो शीशे पर या फिर कास्ट पटल पे इसको बनाया गया है तंजौर चित्रकला को जिसका संरक्षण जिसको किसने दिया था मराठा शासकों ने मराठा शासकों ने तो ये क्योंकि अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है तंजौर चित्रकला हे हे, आप लोगों का फिर शुरू हो गया हाँ अच्छा अच्छी बात है ठीक है ठीक है मुझे लगा कि आप लोग फिर तो नहीं झगड़ने लग गए तो अलंकरण के लिए अलंकरण के लिए जो फेमस है तो अलंकरण कैसे किस तरह से अलंकरण किया अलंकरण मतलब सजाया गया किस तरह से सजाया गया चित्रों को तंजौर चित्र शैली में तो रत्नों कई प्रकार के रत्नों से कांचों को सजाया गया ठीक है और अधिकतर चित्रकलाओं में मुस्कुराते हुए कृष्ण को मुस्कुराते हुए कृष्ण को विभिन्न मुद्राओं और उनकी जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है और सरफोजी महाराज सरफोजी महाराज के संरक्षण में ये चित्र शैली ये चित्रकला की ये शैली का सबसे ज्यादा विकास होता है तो यहां से आप क्या क्या याद रखोगे तंजौर चित्रकला कहाँ पर इसका विकास हुआ तो मराठे कहाँ पर थे डेक्कन में कोंकण में वहां कोंकण क्षेत्र में इसका विकास होता है संरक्षण मराठों ने दिया और इसकी विशेषता रही कि बहुत अलंकारिक हैं बहुत सजाए गए तो सजावट के लिए बहुत सारे रत्नों का प्रयोग किया गया सोने के पानी का प्रयोग किया गया कांच पर और कास्ट के पटल पर बनाया गया और सरफोजी महाराज के समय में इसका विकास सबसे ज्यादा होता है मैसूर चित्रकला ये देखो ये चित्रकला आप देखते ही पहचान जाओगे देखते ही पहचान जाओगे हमेशा सिर्फ गोल्ड गोल्ड आपको दिखेगा ऐसे गोल्ड गोल्ड सा येलो येलो देख रहे हो ना आप इसमें किस तरह से केवल सोना सोना जैसा मतलब गोल्डन कलर कलर्स खूब दिख रहे हैं आपको तो देखते ही आप पहचान जाओगे ये ज्यादातर मतलब मतलब देवी देवियों का चित्रण किया गया है इसमें और खूब सोने के काम सोने के, के पानी का, का काम किया गया है मतलब इस पर और ये खूब चमकता है ये ये जो आप देख रहे हो इसमें खूब शाइनिंग आती है आपको भी आ रहा होगा आ रहा है ना आपको भी ठीक है तो ये चित्रकला मैसूर राज्य के शासकों द्वारा संरक्षित की गई और यह ब्रिटिश काल तक जारी रहा मैसूर चित्रकला का प्रमुख विषय क्या रहा हिंदू देवी और देवताओं का चित्रण हिंदू देवी और देवताओं का चित्रण ठीक है और मैसूर राज्य ही अलग था जहां पर वड्यार वंश का शासन था बाद में उसे हैदर अली ने ले लिया और टीपू के समय टीपू के समय यहाँ पर भीती चित्रकला बहुत बने टीपू भी स्थानीय कलाकारों को का बहुत संरक्षण दिया था टीपू ने पर टीपू से टीपू को मारने के बाद टीपू से उस राज्य को लेने के बाद उन्होंने से वापस वड्यार वंश के ही ए, ए, लोगों को वहाँ का नाम का राजा बना दिया था ठीक है जो कि अंग्रेजों के ऊपर मतलब संरक्षित होकर रहते थे तो इस तरह से इतना शाइनिंग वाला चित्र बनता कैसे था तो इसमें मतलब एक एक तो इसकी एक ये याद रखना कि दो या दो से अधिक आकृति मतलब होती थी चित्रकला में जैसे देखो यहां आप, आपको एक दिख रहा है ये तो दे, मतलब दिख रही है सरस्वती उनके हाथ में बिना है पर एक यहां पर भी और एक यहां पर भी दो और चित्र है देख पा रहे हो आप तो इसमें कभी इकलौता चित्र नहीं बना हमेशा इसमें दो या दो से अधिक चित्र रहे और इसमें वास्तविक का आकार और रंग के विषय में एक आकृति अन्य सभी में प्रधान होती है तो ये मतलब ये प्रधान इसमें कौन है तो इसमें देवी सरस्वती लेकिन दो चित्र और हैं तो एक ये रहा इसमें और ये जो इसका वो देख रहे हो इसमें गेसो पेस्ट गेसो पेस्ट का प्रयोग किया जाता है और ये गेसो पेस्ट बनता कैसे है तो ये जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गेम का मिश्रण होता है और इसे पृष्ठभूमि में एक चमक उत्पन्न होती है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गेसो पेस्ट गेसो पेस्ट का इस्तेमाल किसके चित्रण में किया गया किसके चित्रण में किया गया तो मैसूर चित्रकला वरली चित्रकला मुगल चित्रकला पहाड़ी चित्रकला तो आप क्या कहोगे कि कहाँ के चित्रकला में की?